तो दोस्तों स्मार्टफोन्स का त्यौहार आ चुका है, मतलब इस हफ्ते तो एक के बाद एक दबा के लॉन्चेस हो रहे हैं और ये चलने वाला है थोड़े दिन तक। सैमसंग ने अपनी मच अवेटेड फ्लैगशिप गैलेक्सी S23 सीरीज जो है उसे लॉन्च कर दिया है। पोको इज अबाउट टू लॉन्च पोको X5 प्रो 5G। OnePlus का मेगा इवेंट है, OnePlus 11 आएगा, OnePlus 11R आएगा। उन सब के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फाइबर में मिलेगी, वीडियोज आएंगे, रिव्यूज आएंगे, बट ये वाला जो वीडियो है ये इनमें से किसी डिवाइस का नहीं है। इनके अलावा एक और डिवाइस लॉन्च हुआ है, विच इज दिस, द ओप्पो रेनो 80। ओप्पो की जो रेनो लाइनअप है वो ओप्पो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्टफोन मार्केट के लिए भी, बिकॉज ये एक वन ऑफ दोज रेयर सीरीज है जहां पर मिड रेंज सेगमेंट में हार्डवेयर पर, फीचर्स पर, स्पेसिफिकेशंस पर उतना जोर नहीं होता, बट ओवरऑल फोकस होता है डिजाइन पर, इन हैंड फील पर और कैमरा सिस्टम के ऊपर। तो रेनो 80 जो है, अब ये रेनो 8 सीरीज का सबसे बजट स्मार्टफोन है। दो फोन इस लाइनअप में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लास्ट ईयर हुए थे रेनो 8, रेनो 8 प्रो। रेनो 8 प्रो का हमने अनबॉक्सिंग किया था, उसका डिटेल्ड रिव्यू किया था, इनफैक्ट OnePlus 10R से हमने उस फोन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन भी किया था जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हो। अब रेनो 80 जो है वो रेनो 8 और रेनो 8 प्रो का एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन है कंपैरेटिवली, और मैं कुछ दिनों से इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ। रिव्यू नहीं करूंगा, रिव्यू करेगा अमन। अमन को मैंने भेजा है फोन लेके, पहले वो गया है घूमने उदयपुर, उसके बाद वो जाएगा बैंगलोर, बहुत सारी फोटोज खींचेगा, गेम्स खेलेगा और उसके बाद जो है डिटेल रिव्यू लेकर आएगा फाइबर के ऊपर। बट क्योंकि मैंने थोड़ा सा यूज किया था इससे, तो इनिशियल जो इंप्रेशन है मेरे, मुझे क्या लग रहा है इस फोन के बारे में, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्राइस पॉइंट ही डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि मुझे प्राइस पता नहीं है, पर जो मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में ये फोन कंपीट करेगा आपका डायरेक्टली Redmi Note 12 Pro Plus के साथ और Realme 10 Pro Plus के साथ। दोनों फोन्स हमने चैनल पे ऑलरेडी कवर भी कर दिए हैं, तो उन फोन्स के साथ कंपेयर करेगा, यानी कि अपवर्ड्स ऑफ 30,000 शायद जो है इसका प्राइस रहने की मुझे उम्मीद है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू से अबाउट दिस फोन, मैं यूज कर रहा हूँ, इन हैंड फील जो है इस फोन का वो अनडाउटेडली काफी कमाल का है। मैंने जितने भी लोगों को ये फोन दिया है हाथ में, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड कि जो ओवरऑल जिस तरह से इस फोन को बनाया गया है, ये बहुत हल्का फोन है, काफ़ी स्लिम इसकी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो यहाँ से, एंड जो इन हैंड फील है दैट इज़ रियली गुड। मतलब एक मिड रेंज फोन ऐसा होना चाहिए, इससे बेहतर नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, इनफैक्ट जो ये बैक डिज़ाइन है, मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा फैन नहीं होता हूँ उस तरह के शिमरिंग ग्लोइंग बैक डिज़ाइंस का, बट द इम्प्लीमेंटेशन हियर इज़ रियली नाइस। ऐसा नहीं है कि बोरिंग फोन हो, काफ़ी एक्साइटिंग सा डिज़ाइन है, बट उसको ओवरडू भी नहीं करा, ये नहीं करा कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे ग्लॉसी पैटर्न्स वगैरह कुछ डाल दिए, एंड दिस काइंड ऑफ लुक्स गुड, स्पेशली आउटडोर में जब आप ये फोन लेके जाते हो और वहाँ पे जब सनलाइट पड़ता है तो जो इफेक्ट है, दिस लुक्स वेरी गुड, एक अलग तरह का यू नो कलर इफेक्ट आता है, विच इज़ प्रीटी गुड। कैमरा मॉड्यूल अगेन, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, मुझे ठीक लगा कि ओके बम्प थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जो ये रिंग्स दिए ना ये बहुत बड़े हैं, आई डोंट नो ये कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर कि डू यू लाइक दिस और नॉट। ऊपर वाले जो रिंग है उसके अंदर मेन कैमरा दिया हुआ है वो 108 मेगापिक्सल का है, नीचे दो दूसरे सेंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो 2-2 मेगापिक्सल के हैं। कैमरा की बात अभी करेंगे आगे, बट यस ओवरऑल इन हैंड फील जो है फोन का वो काफ़ी सॉलिड है, हेडफोन जैक नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये जो फ्रेम है साइड फ्रेम, जब मैंने पहले फ़ोन ये उठाया तो मुझे लगा ये शायद मेटल फ्रेम है, बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ प्लास्टिक फ्रेम, इसी वजह से जो फोन का वेट है वो भी इतना कम है। और पीछे जो है ये ग्लास बैक दिया है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैट फिनिश है यहाँ पर, कोई स्मजेस वगैरह नहीं लगते हैं ज़्यादा, ना दिखते हैं, फ़ोन क्लीन रहता है विच इज़ गुड, एंड दैट इज़ आई काइंड ऑफ लाइक इट। इवन तो पावर बटन और जो वॉल्यूम बटन है उनकी पोजिशनिंग काफ़ी सेंट्रल है, तो ईजी टू रीच है। नीचे टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, सिंगल स्पीकर है, और आपको सिम कार्ड जो स्लॉट है वो भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। सो यस, सो ये ओवरऑल मैंने जो डिज़ाइन पार्ट है उसे कवर कर लिया है। फ्रंट की बात कर लेते हैं, फ्रंट से भी अगेन वन ऑफ द reasons why ये एक अच्छा मिड रेंज फोन मुझे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ बैक नहीं बल्कि जो फ्रंट है वो भी काफ़ी कमाल की। इफ़ यू लुक एट द बेजल्स, बहुत थिन रखे हैं, ज़्यादा बड़े बेजल्स यहाँ पर नहीं है, इनफैक्ट जो चिन है वो भी काफ़ी पतली है, दैट ओवरऑल गिव्स इट अ वेरी गुड लुक। एंड कर्व डिस्प्ले है, कर्व्ड है बट पूरा एच तक भी नहीं जाता, जिस वजह से जो है फ्रंट के प्रोफाइल जो है इस फोन का वो भी काफ़ी सही लगता है, एंड होल पंच कटआउट है तो यू गेट अ वेरी गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस, एंड ओवरऑल जो वीडियो प्लेबैक है अपने स्क्रीन पे देख पाओगे, जो कंटेंट है दैट लुक्स रियली गुड ऑन दिस फोन। 120 हर्ट्ज यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी दी है, तो दैट बॉक्स इज ऑल्सो टिक्ड। एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस पैनल है, तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। टच रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्मूथ है, कोई मुझे यहाँ पर लैग्स नहीं देखने को मिले, एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। अगर डे टू डे लाइफ के हिसाब से कोई फोन लेने की सोच रहा है, यू विल बी सर्व्ड रियली वेल।
बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप दिया हुआ है, दैट इज प्रॉब्ली वन थिंग जो कि ओप्पो बेटर कर सकता था। 695 चिप पुराना हो चुका है, डेढ़ साल लास्ट ईयर काफी सारे फोन्स में यूज हुआ था। मोस्टली जो ये फोन्स थे वो 20,000 से 25,000 रुपए के बीच में आए थे, बीट द रेडमी 11 प्रो प्लस 5G एंड अ लॉट ऑफ अदर फोन्स, इवन द पोको X4 प्रो। तो यहाँ पर चिपसेट के हिसाब से प्राइस पॉइंट थोड़ा सा शायद आपको ज्यादा लगेगा कि इससे कम में ये चिप मार्केट में अवेलेबल है, बट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन अगेन ये नहीं है। 8GB रैम इसमें दी हुई है, वर्चुअल रैम भी है 4GB, तो उसका ऑप्शन मिलता है। कलर हो वैसे बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज इस साल मैंने देखा है बहुत सारे जो फोन हैं लेटली एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहे हैं, तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ये अच्छी बात है। आइकन्स के साथ ओवरऑल जो किया है वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी कूल से आइकन्स एंड ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है दैट हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड रियली वेल, मतलब एनिमेशन वगैरह बहुत स्मूथ है, ऐप लोडिंग इट्स वेरी सीमलेस। ओनली थिंग इज कि यार थोड़े से प्रीलोडेड ऐप्स आते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो हम हर कंपनी के लिए बोलते हैं। ये आप देख सकते हो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, शेयर चैट, मतलब अननेसेसरी ये जो बहुत सारी ऐप्स आती हैं दैट कुड बी कट डाउन अपॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा परफॉर्मेंस। एज आई टोल्ड यू, डिटेल में अमन बात करेगा, बहुत सारी फोटोज लेकर आएगा, बट कुछ फोटोज मैंने भी खींची हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देख के आप खुद जज करो कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो कैसी है। बट जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में देख के लग रहा है फोन का कि यहाँ पे सारा का सारा गेम आपके मेन कैमरा का ही है, 108 मेगापिक्सल का, बाकी दोनों 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स का उतना सेंस नहीं बनता। यस, फ्रंट कैमरा डेफिनेटली 32 मेगापिक्सल है, तो वहाँ पर यू गेट यू नो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी, 4800 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी दी गई है इस फोन के साथ। अगेन एक मिड रेंज फोन के हिसाब से ठीक ठाक आपको बैटरी मिल रही है। सो यस, दिस इज द ओप्पो रेनो 8T। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या कुछ है जो आपके दिमाग में जो आप चाहते हो कि जिसे हम एड्रेस करें, तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, फुल रिव्यू हमारा आएगा चैनल के ऊपर, तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट यस, फ्रॉम द फर्स्ट इंप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड फोन टू मी, एक मिड रेंज फोन। मैं अगेन आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि मिड रेंज फोन ऐसा ही होना चाहिए। प्राइस को लेकर थोड़ा सा जाता है कि ओप्पो के फोन हमेशा लगता है कि 2-4 हज़ार रुपये कम प्राइस होना चाहिए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये फोन आता है अब जब भी लॉन्च होता है मार्केट में, थोड़ा सा आप सेल वेल का वेट करो, हो सकता है सेल में आपको इसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा ऑफर मिले, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पर ये आ जाए। बाकी अमन बताएगा भैया फाइनली कि ये खरीदने लायक है या नहीं है, उसकी रेटिंग का वेट करना, रिव्यू का वेट करना। सब्सक्राइब कर लो फाइबर को, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो ताकि जैसे ही रिव्यू आए इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।